जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दिया, दिस दिस वीडियो इज़ फॉर रांची यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी पेपर नंबर सी सी थर्टीन सेमेस्टर सिक्स नेक्स्ट किसी दिन में ये एग्जाम होने वाले हैं तो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी के हैं जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आज से हम लोग इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे मतलब टॉपिक्स जो होंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेम होते हैं और उसके कुछ हम लोग वीडियोस देखेंगे देखिए जिसमें हम लोग उसको रिवाइज़ करेंगे वीडियो uh, के माध्यम से यूट्यूब के लिंक से सो so, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है जैसा हम लोग जानते हैं एक जो फर्स्ट पार्ट है जो है वो इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी से रिलेटेड है और सेकंड पार्ट जो है वो ऑप्टिक्स दैट इज आपका पोलराइजेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइजेशन से रिलेटेड है उसमें एक लास्ट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर्स है जिससे जनरली शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so फर्स्ट uh, हमारा क्वेश्चन हो सकता है दैट इज स्टेट एंड प्रूव स्टेट एंड डेराइव Maxwell's field equations, Maxwell's field equations and physical significance of, physical significance of Maxwell's field equation, Maxwell's field equation. दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रीगल फॉर्म कभी कभी यह इंटरीगल फॉर्म के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है सो so, दोनों एक ही चीज है सो इंटरीगल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन सो दोनों एक ही है सो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछे या इंट्रीगल फॉर्म पूछे दोनों में सेम ही हमारा आंसर होगा नेक्स्ट नंबर टू Maxwell's field equations in terms of scalar vector potential using Coulomb Gauge. इसमें हमें लॉरेंग और कूलम गॉज दोनों पढ़ने हैं जिसमें हम लोग वेक्टर पोटेंशियल ए और फाइ के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं दैट इज वेक्टर पोटेंशियल एंड फाइ इज द स्केलर पोटेंशियल इसके टर्म्स में मैक्सोस वेल्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव किए जा सकते हैं वो हम लोग को ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नंबर थ्री इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैटिक वेव और मैक्सो सिक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इसी में हमारा आता है इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम और इसी के साथ क्वेश्चन एक ऐड होता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ओके नंबर फोर इज Um, propagation of ऐसे प्रोपगेशन काफ़ी आते हैं लेकिन propagation ऑफ electromagnetic फील्ड generally दो ज़्यादा आते हैं propagation ऑफ electromagnetic फील्ड और इसमें बहुत सारे जो हमारे dielectric constants या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या magnetic फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सो प्रोपिगेशन ऑफ electromagnetic फील्ड इन नंबर वन फ्री स्पेस दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्री स्पेस एंड नंबर टू इन कंडक्टिंग मीडिया इस दोनों में से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं नंबर फिफ्थ इज फ्रेजनल फ्रेजनल फॉर्मूला फॉर रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन जिसमें हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के फॉर्म में देखते हैं और स्नेल्स लॉ को डेराइव करते हैं फ्रेजनेस फॉर्मूला के फॉर्म में नंबर सिक्स ये हम लोग के ऑलमोस्ट यहाँ तक में हो सकता है अगर चाहे तो एक्स्ट्रा में हम लोग स्टार मार्क दे के लिख रहे हैं एक्स्ट्रा में हम लोग बाउंड्री कंडीशन देख सकते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन बाउंड्री वैल्यू कंडीशन एंड देयर डेरीवेशन एंड देयर डेरीवेशन ये एक्स्ट्रा में है इसको किया भी जा सकता है नंबर सिक्स अब हम लोग पोलराइजेशन चैप्टर में आ रहे हैं, सो पोलराइजेशन में हमारा है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ Plane, circularly, and elliptically polarized light. Elliptically polarized light. Number seven, Nicole prism construction. Nicole prism construction. Working and its uses number eight, babinet compensator, babinet compensator, babinet compensator, maybe why construction working and its uses compensator. Number nine, number nine is. Uh, फ्रेजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फ्रेजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इसे में हमारा स्पेसिफिक रोटेशन भी आ जाता है डिफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशंस एंड लास्ट नंबर टेन इज लॉरेंस हाफ सेट पोलारीमीटर सो दीज आर लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में है इसलिए कन्फ्यूज नहीं करना है दीज आर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद इसी से हम लोग जब एक एक बार टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस बार एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हम लोग अलग से एक वीडियो करेंगे और एक वेरी वेरी शॉर्ट दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग जो इम्पोर्टेंट uh, क्वेश्चनस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ट्वेंटी टू थर्टी ताकि एक पता चले कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं सिंपल वन लाइन्स क्वेश्चन जो होते हैं डिफिनेशन्स में या वैल्यूज फ़ाइन करने में या फॉर्मूलाज फाइन करने में जैसे हमारा शॉर्ट नोट्स में अगर हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकता है शॉर्ट नोट्स में नोट्स लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो तो जैसे हाफ सेड हाफ से हाफ वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट सो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछे जाए हम एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबको डिस्कस करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट एंड ड्राइव मैक्सुल्स विल्ड इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इट्स इंट्रीगल फॉर्म ऑफ मैक्सुल्स इक्वेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए हम लोग कितने सारे टॉपिक्स को अगले चार से पांच दिनों में इस सबको रिवाइज करेंगे